जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित फर्स्ट ओपन वाटर नेशनल फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 के आयोजन में उत्तराखंड से प्रतिभाग करते हुए नैनीताल जिले से 6 बच्चों ने प्रतिभाग कर 2 गोल्ड मेडल सहित 9 मेडल अपने नाम कर नैनीताल जिले का नाम रोशन किया है। श्रद्धा जोशी ने 1 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीतकर लालकोट क्षेत्र का नाम रोशन किया, तो वहीं हल्द्वानी निवासी नबिया सिरोला ने भी 1 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल प्राप्त किया। वहीं ढोल नगाड़ों के साथ क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिस्ट और ग्राम प्रधान संगठन प्रदेश सचिव सीमा पाठक ने बालक बालिकाओं सहित खेल विभाग की कोच पूनम सिरोला और टीम मैनेजर ललित सिरोला को माला पहनाकर एवं बुके भेंट करते हुए भव्य स्वागत किया। लालकुआ से मुन्न अंसारी की रिपोर्ट। उल्लास का माहौल है क्योंकि जम्मू में जो ये स्पर्धा हुई है तैराकी की, इसमें हमारे यहाँ के बच्चों ने जो है ओपन वाली की थी, इसमें हमारे यहाँ के बच्चों ने गोल्ड और सिल्वर जीता है और क्षेत्र में सभी लोग बहुत इसको लेकर उत्साहित हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में आज यहाँ पर क्षेत्र के लोग आए हैं और इनका स्वागत करने के लिए। और अगला अब इनका कम्पटिशन जो है इंटरनेशनल वाला हंगरी में होना है, तो मैं इन सब लोगों के, चूँकि हमारे क्षेत्र के लोग हैं और ये बच्चे बहुत प्रतिभावान हैं, मैं जम्मू कश्मीर के लेक दल लेक में हुआ था और ये है फर्स्ट ओपन वाटर फिन स्विमिंग है। स्विमिंग है फिन स्विमिंग, इसमें पैरों में फिन पहनाए जाते हैं और मुंह पे स्नोकल पहनाया जाता है, उसके थ्रू हमें अंडर वाटर स्विमिंग करनी पड़ती है। तो टोटल उत्तराखंड से बच्चे जो गए थे वो 7 बच्चे गए थे और उसमें से हमें 2 गोल्ड मेडल आए हैं और दोनों गर्ल्स के हैं और उसके बाद 3 सिल्वर थे, 2 ब्रॉन्ज के।